सो हेलो बच्चे, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। सो बच्चों, आपकी बीएससी नर्सिंग की थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। डीजीएमई ने अभी एक नोटिस रिलीज किया है आपकी मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। सो उस नोटिस में क्या लिखा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो बच्चों, नोटिस देखने के लिए सबसे पहले आपको थ्री लाइन्स पर टैप करना होगा, देन काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट पर टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे, आप नंबर वन पर देख पा रहे हैं लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फॉर यूपी नर्सिंग 2022 मॉपअप राउंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग। इसको आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो बच्चों, ये मैंने नोटिस डाउनलोड कर लिया एंड इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने हैं तो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु मेडिकल बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक सूचना। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में मॉपअप राउंड हेतु दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु केजीएमयू लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई एवं डॉक्टर आरएमएल लखनऊ तथा राजकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद में दिनांक 14/12/2022 से 17/12/2022 के मध्य मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मॉपअप राउंड हेतु समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित तिथि के मध्य इच्छुक मेडिकल कॉलेज संस्थान विश्वविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम की वर्ष 2022 की काउंसलिंग हेतु पूर्व में उपरोक्त मेडिकल कॉलेज के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन चुका है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र पुनः मेडिकल कॉलेज के समक्ष प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं होगी। सो बच्चों, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 14 से 17 के बीच में इन कोई भी कॉलेज में आप बनवा सकते हैं। एंड अगर आप पहले बनवा चुके हैं इन कॉलेजेस से तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड बच्चों, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो इन्हीं कॉलेजेस से बना हुआ वैलिड माना जाएगा, कहीं और से आप बनवाएंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही नर्सिंग एंड पैरामेडिकल न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।